नहीं ये दर्द मेरा, या जान के भी अनजाने हो, एक पल ये लगे अपने हो तुम, एक पल ये लगे बेगाने हो तुम। कौन प्रिया तुम, कौन प्रिया। जो बहुत गुस्सा है तुम्हारी अम्मी पर, वो तो मैं लिहाज कर जाती, वरना मुझे भी बड़ी अच्छी तरह जवाब देना आता है। कल को यही खड़ूस और कसाई जैसी अम्मी तुम्हारी सास भी बन सकती है। ऐसी शातिर और चालाक लड़की मेरे घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। अच्छा भैया, आप मुझे ही बताएं, आपको मोहब्बत करना ज्यादा अच्छा लगता है या मोहब्बत करवाना? मोहब्बत करना। पापा क्या हुआ आपको? पापा क्या हुआ आपको, ठीक है ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल। ए, पिछले माह की 20 तारीख को तो 500 रुपए लेकर गई थी, आज 18 तारीख का तो फिर मुंह खोले आ गई। हमीदा, मेरे घर के सहन में कोई नोट देने वाला दरख्त नहीं लगा हुआ है कि हाथ बढ़ा बढ़ा कर मैं तुम्हें 500-1000 पकड़ाती रहा करूं। शराफत बहन, अल्लाह के हुक्म से महीने भर में 10-15 रिश्ते करवाती हूँ, और अच्छे रिश्तों का तो ऐसा काल है कि दरमियाने रिश्तों पे लोग चुटकी बजाते ही हामी भर देते हैं। और आप, आपके लिए तो मैं कई महीनों से ख्वार हो रही हूँ, कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता। भाई हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, फीस तो लेंगे। एक कहाँ की ड्यूटी और कैसी फीस? जो आड़ा टेढ़ा रिश्ता तुमको मिलता है तुम बगल में दबा लिए चली आती हो। कोई जनरल स्टोर चला रहा है तो कोई MBA की सप्लियां दे रहा है, तो कोई बाप की कमाई के ऊपर दांत कोस रहा है। 6 महीने में एक भी ढंग का रिश्ता लेकर आई तुम? बस खाना पूरी कर रही हो, अपनी फीसें बना रही हो, और हम यहाँ चाय पानी करके बाजार हुए चले जा रहे हैं। मैं बता दे रही हूँ तुम्हें कि आइंदा तुमको उल्टा सीधा रिश्ता लेकर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी जल्दी आ गए, खैरियत? जी बस सर में दर्द था, इसीलिए ऑफिस से भी हाफ लीव ले ली थी। आप प्लीज सोबिया से कहिए मुझे एक कप चाय बना दे। मैं खुद ही बना देती हूँ। सोबिया को दोस्तियाँ निभाने से फुर्सत मिले तो कोई काम करे, तलवारी टिकता मोहतरमा का घर में। अरे शराफत बहन, बेटे का इरादा नहीं है शादी का? कहो तो लड़कियां दिखाऊं। अरे एक से बढ़ के एक लड़की है मेरे पास। रहने दो, सोबिया की मर्तबा भी तुमने यही दावा किया था कि एक से एक बढ़कर लड़का है मेरे पास, फिर क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा। जरबाप की नौकरी को भी सिर्फ 2 साल हुए हैं, मेरा दिमाग नहीं खराब है कि बहू का बखेड़ा भी से पाल लूं? अरे पहले खुद तो इस्तेफादा कर लूं उसी कमाई से जी भर के। महंगाई की चादर ओढ़कर बच्चे पालना आसान काम नहीं होता, दांतों तले पसीना आ जाता है। खुदा खुदा करके तो नसीब हुआ है मुझे। अरे उसको अभी से बीवी के चोंचों में उलझा दूंगी तो ना माँ की फिक्र रहेगी ना बहन भाई का होश रहेगा। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, बस सोबिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ला कर दो ढंग का। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये लो जनाब, मजे करो। मुझ जैसी सहेली चिराग लेकर भी ढूंढोगी ना तो तुम्हें मिलने वाली नहीं है। मुझे क्या जरूरत है, तुम मिल तो गई हो। हाँ, इसीलिए तुम्हें मेरी कदर नहीं है। Excuse me, कदर है? अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम्हें अपने सर पे बिठा लूं। हाय सोबिया, कभी कभी तुम कितनी बदतमीज और रूड हो जाती हो ना। बिल्कुल 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 अपनी अम्मी की तरह। कितनी बदतमीज होती जा रही हूँ जवेरिया। बदतमीज नहीं, साफ गो कहो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे और अम्मी के बीच क्या प्रॉब्लम है। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है, जिन माओं के बेटे रोजगार पे लग जाते हैं ना तो मोहल्ले की जवान और खूबसूरत लड़कियां उनकी आंखों में तिनके की तरह खटकने लगती हैं। शायद तुम्हारी अम्मा को भी तुम्हारे भाई के लिए यही गुमान है। खैर हमें क्या, हम तो अपने घर में खुश और मुतमईन हैं, इज्जतदार लोग हैं, मुंह से तो नहीं कह सकते। फाकरा खाला, हम इतने पुराने हमसाए हैं और आप कैसी बातें लेकर बैठ गए? अब तक तो आपको अम्मी की आदत से वाकिफ हो जाना चाहिए ना कि वो ऐसे ही है। तुम मुझे ये बताओ, जवेरिया में बुराई है क्या? मैंने कब कहा, वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बचपन की दोस्त है। अगर उसमें कोई बुराई होती तो अम्मी मुझे उससे दोस्ती रखने देती। पता है तुम्हारा भाई जवेरिया में दिलचस्पी रखता है,
तुम अपने भाई की मदद कर सकती हो। तुम्हारी माँ किसी की सुने ना सुने तुम्हारी ज़रूर सुनेगी और मानेगी, क्योंकि तुम उनकी इकलौती बेटी हो। और जब तुम और तुम्हारे भाई मिल जाएंगे ना, तो तुम्हारी माँ जवीरे का रिश्ता लेकर ज़रूर आ जाएगी। ये जवेरिया कहाँ चली गई? अच्छा खाला, मुझे इजाजत दें, मैं चलती हूँ, मैं बहुत देर की आई हूँ ना, अम्मी परेशान हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। हाँ काफ़ी देर हो गई तुम्हें, तुम अपनी माँ से बात कर लेना। जवेरिया के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा है। हम इज्जतदार लोग हैं, अपने मुँह से किसी से कह नहीं सकते ना। ठीक है खाला, खुदा हाफिज़। नेहा सीमा, शोर मत करो, बाबा उठ जाएंगे। नेहा सीमा, नेहा क्यों तो शोर मचा रहे हो? बाबा सो रहे हैं ना। देखो जरा दूध वाला होगा। नेहा आ रही हूं, एक मिनट। जल्दी करो भाई, भाई देर हो रही है, जल्दी करो। आप? जी मैं। I'm sorry, मैं समझी कि आप बिल्कुल ठीक समझी। अगर मुझे अंदाजा होता कि ये नेल्सन मंडेला बन के आएगा तो मैं कभी भी इसे बाहर पढ़ने के लिए ना भेजता। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या फतूर है, हर वक्त बाप को लेक्चर देता रहता। आप उसकी बातों को दिल पे क्यों ले लेते हैं? जरा जज्बाती बच्चा है और कुछ नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो यह जज्बातियत खुद ही खत्म हो जाए। आप नहीं समझती तमकनत बेगम, कुछ लोग यूं ही जिंदगी में कॉमरेड बने फिरते रहते हैं, किताबी फलसफों को जिंदगी की हकीकतों पर हावी करने की कोशिश करते हैं। अब दानिश भी तो अपने ही बेटा है ना, चंद साल ही बड़ा ना उससे, कितनी कामयाबी से बिजनेस चला रहा है, कभी उसकी शिकायत की मैंने? लेकिन इस लड़के ने तो जिच कर दिया मुझे। ये तो खासी बारीक बातें हैं, इन पे गौर करने की जरूरत है। और दानिश की बनिस्बत रामेश को बहुत ज्यादा लाड प्यार मिला है। इसी लाड प्यार की कीमत है जो मैं चुकाना पड़ रही। शादी कर दीजिए अब इसकी, दानिश की तरह किसी बड़े कारोबारी खानदान की लड़की आ जाएगी तो खुद इसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। हाँ ठीक कह रही हैं आप, अब इसे छूट देना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। कोई अच्छी और समझदार बच्ची ढूंढिए जो इसको किताबी फलसफों से निकालकर जिंदगी की सच्चाइयों की तरफ लेकर आए। दानिश की छोटी साली सुंबुल कैसी रहेगी आपके ख्याल में? आपसे किसने बात की, दानिश ने या मोमल ने? बात तो दानिश ने की है, लेकिन पसे पर्दा मोमल की ख्वाहिश तो होगी। एक ही घर से दो बहनें लाना क्या मुनासिब रहेगा आपके ख्याल में? कोई मामूली खानदान तो नहीं है, हमारी हैसियत के लोग हैं, और फिर सुंबुल तो उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा खूबसूरत है। मेरे ख्याल से तो रामेश के लिए मुनासिब रहेगी। ठीक है, रामेश से बात करता हूँ मैं, कुछ दिनों के लिए इनकलाब का भूत तो उतरे उसके सर से। तो ये माजरा है हाँ? अरे मेरे बेटे को मेरे खिलाफ पटियां पढ़ाई जा रही है, अब मादा जंग किया जा रहा है, वाह। कौन पीड़ा
रामेश बाबा, दो दिन का आराम काफी है। कल मैं अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाऊंगा। वैसे भी इन हड्डियों को काम की आदत हो गई है, आराम आसानी से हजम नहीं होता। बिस्तर पर पड़े पड़े दुखने लगी हैं। चलिए ठीक है, अगर आप बेहतरी महसूस कर रहे हैं तो जरूर फैक्ट्री आइए। वैसे भी बाबा आपका बहुत पूछ चुके हैं। मुजफ्फर भाई मेरे लिए फिक्रमंद जी, मुझे तो कह रहे थे कि मैं आपका खास ख्याल रखूं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके दम से बहुत कुछ आबाद है। जब भी रामेश भाई आते पूरे मोहल्ले के बच्चे उनकी गाड़ी के सामने आके जमा हो जाते। हाँ तो इतनी बड़ी गाड़ी उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। तुम दोनों की अगर बातें खत्म हो गई ना, जल्दी से जाके चाय देकर आओ। क्यों अपिया, आपका उनसे पर्दा है क्या? भाई मैं तो ये समझती हूँ कि जो चाय बनाता है सर्व भी वही करता है, ताकि पीने वाले को पता चले कि मेहनत किसकी है। क्यों सीमा? हाँ बिल्कुल, मैं तुम दोनों की शिकायत बाबा से कर दूंगी और इस बार कोई रियायत नहीं होगी। अपिया इतना क्यों शर्मा रही है? 70s की हीरोइन है क्या, जो हीरो के पास जाने से पहले घबराया करती थी? मैं इस वक्त वाकई बहुत गुस्से में हूँ, जल्दी जाओ। हिलमा बेटी चाय ले आओ। ओहो सुना सीमा, बाबा ने क्या बोला कि चाय लेके आओ बेटा इल्मा, तो फिर हम दोनों तो नहीं जा रहे आज। हाँ चलो। अरे मेरी बात सुनो तुम दोनों। इतनी देर कर ली तूने, रमेश बाबा जाने ही वाले थे। जी हाँ, फिर अचानक मुझे याद आया कि लास्ट टाइम चाय इतनी अच्छी थी कि मैं ढीठ बन के बैठ गया कि शायद फिर से नजरें गरम हो जाए और चाय आ जाए। रमेश बाबा, हमारी बेटी के जहाँ सभी काम अच्छे हैं, मगर चाय की क्या बात है। सही कह रहे हैं, मुझे तो लगता है कि चाय पीने के लिए बार बार यहाँ आना पड़ेगा। हेलो रमेश बाबा, हमारी बेटी कम गौर शर्मीली है। पहले आपका अपना घर है, जब जी चाहे तशरीफ लाए। हमारे पास तवाज़ो और इंकसारी के सिवा और है भी क्या। इतनी चलाक और मक्कार लड़की है, कितने जाल फेंके मैंने लेकिन हर बार की तरह निकल गई। मजाल है कि जो अपने परों पे उसने पानी भी पड़ने दिया। आप सोबिया की फिक्र ना करें, उसे मैं कायल कर लूंगी। खुशफहमी है तुम्हें, चलाक माँ की होशियार बेटी। मुरवतन भी उसने ये नहीं कहा कि अम्मी से बात कर लूंगी। आपको पता नहीं किस बात की टेंशन है, जब तुर्क का पत्ता हमारे हाथ में है तो बाकी बटे हुए पत्तों से हमें क्या लेना देना। और वैसे भी सोबिया कौन सा सारी जिंदगी यहाँ रहने वाली है। शराफत खाला जल्द से जल्द उसकी शादी करके उसे अपने घर भेज देंगी। क्यों, अपनी माँ को साथ लेके जाएगी? जवेरिया तुम्हें पता नहीं कि शराफत कितनी खतरनाक औरत है, सालों से भुगत रही हूँ मैं। पता नहीं जरबाब से तुमने क्या वादे कर लिए, एक आंख भी नहीं भाती ये फैमिली मुझे। हाँ तो मुझे उसकी फैमिली से क्या लेना देना, मुझे तो जरबाब से शादी करनी है। और एक दफा शादी हो जाने दे, फिर देखे कैसे 3 महीने में घर अलग करती हूँ मैं। कितने कंट्रोल में है अपनी माँ की वो लड़का, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? जी है अंदाजा, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ। एक दफा मुझे जाने दे, फिर देखे कैसे शराफत खाला के झंडे उतारती हूँ। अब आप शुरू करें। अल्लाह करे ऐसे ही। चम्मच तो जी। ये तो ये बात है, मैं भी कहूँ कि दाल में कुछ काला है, वरना कोई इस तरह से मुंह फाड़कर बेशर्मी से अपनी बेटी का रिश्ता देता है क्या? अरे फाखर के घर जाऊंगी, जाकर उसको पूछूंगी कि बीबी अपने हवासों में तो हो। अरे मेरा जवान कमाऊ बेटा देखकर उसका दिमाग बह गया है। सब कुछ उन्हें सुनाएंगी क्या? अपने बेटे से भी कुछ पूछने का इरादा है आपका? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो तुम? मतलब क्या अम्मी, सारा दिन आपका बेटा क्या कुछ करता है इस बात की खबर है आपको? क्या करता रहता है? सारा दिन जवीरा को बाइक पर बिठाकर शहर का चक्कर दिलवा रहा होता है। कभी रोड के किनारे दही भले, कभी रेस्टोरेंट में आइसक्रीम, सारी सारी रात फोन पे बातें करना। कभी आपने भाई को ऑफिस जाते हुए देखा है सुबह? कितनी सुर्ख आंखें होती है उनकी। तुम्हें बड़ी मालूमात है भाई की। क्या करे भाई, रखना जरूरी है। सोबिया ये आरिफ क्या कह रहा है?
तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बेशर्म दो सब कुछ करती फिर रही है और तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें खबर नहीं है। अम्मी कसम से मुझे कुछ नहीं पता। अम्मी कसम से मुझे कुछ नहीं पता। आने दो सर बाप को, अच्छी तरह से खबर लूंगी आज मैं उसकी। अरे गजब खुदा का, नौकरी को जुमा जुमा 8 दिन हुए और उसको फरमस्तियां सूझ रही है, पैसे उठाए जा रहे हैं लड़की के ऊपर, आइसक्रीमें खिलाई जा रही हैं, यहाँ हम कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो रहे हैं। इसी दिन के लिए मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध कर तुम लोगों को पाला पोसा है। मेरी प्यारी अम्मी जान, भाई का गुस्सा भाई के लिए संभाल कर रखे, हमें क्यों शामिल कर रही हैं आप। वैसे अम्मी जवेरिया कैसी लगेगी आपकी बहू बनकर? लाना था तुम पर, माँ का मजाक उड़ा रहे हो, उसके सारे ख्वाब जो है ना उसकी आंखों से नोच कर चिरकबों को खिला दूंगी मैं। अरे माँ बेटी समझती क्या है, देख लूंगी मैं उन दोनों को। शराफत नाम जरूर है मेरा, मगर शराफत से पेश नहीं आऊंगी मैं। क्या बात है जवेरिया, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जानती हो किसी ने यहाँ से मुझे निकलते हुए देख लिया तो कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाएगा। तौबा ए ज़रबाब, तुम तो लड़कियों से भी गए गुजरे हो, सच सच बताओ शराफत खाला का ताल्लुक किसी जिनभूत की नस्ल से तो नहीं है? प्लीज तुम मुझे बता सकती हो तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तो क्या कहोगी उनको? वो मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूंगी। एंड बाय द वे मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मामा ने यहाँ बुलाया, वो तुमसे बात करना चाहती है। क्या? अस्सलाम वालेकुम खाला। जीते रहो बेटा जीते रहो, बैठो बैठो, खड़े क्यों हो, बैठो, इत्मीनान से बात करते हैं। जी कहिए क्या बात है? सुना है तुम्हारी अम्मी सोबिया के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। जी अम्मी की तो ख्वाहिश है कि उसके हाथ जल्द से जल्द पीले कर दिए जाए। इसमें क्या अजीब बात है बेटा, हर वालदेन की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी जल्द से जल्द अपने घर में ब्याह दी जाए। जैसे सोबिया तुम्हारी अम्मी की इकलौती बेटी है, तो इसी तरह जवेरिया भी हमारी इकलौती औलाद है। बहुत नाजों से पाला है इसे, इसके लिए बहुत ख्वाब देखे कि बड़े घर में ब्याहेंगे, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर, बाला ही बाला तुम लोग ने ये फैसला कर दिया जो हमें खबर भी नहीं हुई। जी खाला, वो खाला ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। जवेरिया तुम बोलो ना कुछ। हाँ हाँ, मुझे इसने बताया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि सोबिया की शादी के साथ साथ जवेरिया के फर्ज से भी फारिग हो जाओ। जी वो क्या मिसाल है, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, अब सब कुछ तो तय है, देर किस चीज की, इस बहाने तुम लोगों का खर्चा भी बच जाएगा और एक खर्चे में दो शादियां निपट जाएंगी। लेकिन खाला ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है जरबा, तुमने आज तक घर में बात की कब है, बात करोगे तो राहें खुलेंगी ना। जवेरिया तुम अम्मी को अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारी अम्मा को तो पूरा मोहल्ला जानता है जरबा बेटा, ऐसी बातें इश्क आशिकी से पहले सोचनी चाहिए थी, और अगर अपनी माँ का इतने ही डर था तो किसी लड़की से अपनी पसंद का इजहार करने की क्या जरूरत थी। खाला मैं इनकार तो नहीं कर रहा हूँ। तुम करके तो दिखाओ। जवेरिया मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं अम्मी से बात जरूर करूँगा लेकिन मुनासिब वक्त देखकर। आप सब लोग जानते हैं अम्मी को मनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आप लोगों को। एक दफे जिक्र करके तो देखो, राजी कर लेंगे, इस मैदान में हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा पूरा पूरा साथ देंगे। अच्छा तो ये माजरा है हा? अरे मेरे बेटे को मेरे खिलाफ पटिया पढ़ाई जा रही है, अब मादा जंग किया जा रहा है, वाह बहुत खूब। अम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी। हाँ शराफत बहन, ये तो मेरी तबीयत पूछने आया था। जवेरिया खड़े खड़े मुँह क्या देख रही, बहन के लिए शरबत बना के ला। रहने दो, बाहर में गया तुम्हारा शरबत। अरे तुम्हारे घर में मक्खी ना मारू, शरबत पिलाओगी मुझे? क्या समझ रही थी तुम कि मेरे बेटे को हथियार लोगी, मेरे खिलाफ वर्गला लोगी इसे तुम? शराफत बहन मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं सोचा, वो तो जरबाब मेरी बेटी के पीछे पड़ा था तो मैंने सोचा कि इसको बुला के समझा लूं। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, अपने बेटे को अब मैं समझ भी लूंगी और समझा भी लूंगी। ये लावारिस नहीं है कि तुम जैसे इसको समझाते फिरे, समझाना है तो अपनी बेटी को समझाओ। चलो जरबाब। जरबाब माम, मेरा ख्याल है कि आपको इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर लिया।
मोहब्बत भी छोटी बड़ी होती है क्या? ऐसा कौन सा स्केल है जिस पर मोहब्बत को मेजर किया जा सके? इसका मतलब आपने कभी मोहब्बत नहीं की, वरना आप जानते कि जो दिल है ना, ये खुद एक स्केल होता है जिस पे खुद ब खुद सारी रीडिंग्स आ जाती हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। मैंने कहा था ना मैं बार बार आऊंगा, महरत क्यों हो रही है? ऐसा क्या है यहाँ जिसकी खोज आपको बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देगी? एक बात बताओ इल्म, समंदर की लहरें बार बार किनारे से क्यों टकराती हैं? परिंदे हर बार शाम को घोंसलों की तरफ क्यों जाते हैं? कायनात की हर शय अपने महवर के गिर्द ही क्यों घूमती है? पता नहीं। तुम्हें पता है, तुम सब जानती हो, ऐसी बेपनाह ताकत और दीवानी कशिश दुनिया के सिर्फ एक जज्बे में होती है, उसका नाम है मोहब्बत। रामेश, मॉम अभी तक जाग रही हैं? माओ का तो काम ही जागना होता है। आओ यहाँ बैठो मेरे साथ, तुमसे कुछ बातें करनी थी। बोलिए, क्या बात करनी है? तुम अपनी भाभी की फैमिली से तो वाकिफ हो, ये बताओ कि सुंबल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुंबल मुमल भाभी की बहन की बात कर रही है ना? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। कैसी लगती है तुम्हें? लेकिन ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? ये तो तुम जानते हो कि एक माँ अपने बेटे से ये बात कब और क्यों पूछती है। मॉम, मेरा ख्याल है कि आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैंने अपनी लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर लिया। क्या कहा तुमने? अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर लिया, मुझसे और बाबा से जिक्र तक नहीं किया। कर तो रहा हूँ जिक्र मॉम, आपने शादी की बात छेड़ी और मैंने फौरन बता दिया आपको। कब से चल रहा है ये सिलसिला? मॉम कोई सिलसिला वसला नहीं है, अभी हाल ही की बात है। वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। कोई इतना चार्मिंग इतना अट्रैक्टिव भी हो सकता है कि पहली नज़र में अपना दीवाना किसी को बना ले। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया कि दुनिया में ऐसे लोग ऐसे चेहरे भी हैं। कौन है वो लड़की? कहाँ रहती है? किस फैमिली से ताल्लुक़ है? किसने तुम्हारा तारुफ करवाया है उसे? सब कुछ मुझे बताओ, बहुत जस्तुजू हो रही है मुझे। सब कुछ बता दूंगा आपको, थोड़ा सा टाइम दे दें, आपको नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा? टाइम किस लिए रामेश? एक लड़की का नाम पता बताने में कितनी देर लगती है? मैं इस तरह आपसे उसका जिक्र नहीं कर सकता, मुझे उससे बात करने दें। मेरी फीलिंग्स का अगर उसने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, आई प्रॉमिस। आज का दिन बहुत हेक्टिक था। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। शुभ कार्य। क्यों नहीं आएगी पॉजिटिव रिस्पांस? कौन सी बेवकूफ लड़की होगी जो रामेश को इनकार करेगी? खुदा खैर करे, इस लड़के ने तो मेरे दिल को एक अजीब उलझन में डाल दिया है। ओह माय गॉड, कार्ली अगर छुट्टी पर थे तो किसी और से कह दिया होता। ये सेल फोन का जमाना है, हर शख्स एक कॉल की दूरी पर। केयरलेस एटीट्यूड, जानते हो इस फाइल की वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है? भाई साहब, नो भाई साहब, ये मेरा घर नहीं ऑफिस है, कॉल मिस सर, और ना मैं रामेश हूं कि अनड्यू एडवांटेजेस लेते रहो तुम। जी सर, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ब्लड प्रेशर हो गया था, इसलिए
ये मैटर भूल गया मैं, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं सर। फर्द नाशनासी का ये सवाल 25 साल सर्विस में कभी नहीं उठा। हाई ब्लड प्रेशर, आज के साइंसी दौर में ये कौन सी गैरमामूली बात है? हम दिन रात इसकी दवाएं लेते हैं, तुम कौन से ऐसे कोमा में चले गए थे कि मैटर भूल गए? एनीवेज बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जी सर, बशर्ते जिंदगी। चचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रमेश? मैं तो ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। चचा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पूछा आपने उनसे? बहुत अच्छी तरह। कुछ टेंस लग रहे थे। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या हुआ बाबा, कुछ हुआ है क्या? ये तो वो फाइल है ना जो शहर मिल्स वालों को भेजनी थी और जो नहीं जा सकी, जिसकी वजह से आज टेंडर किसी और कंपनी को मिल गया है। गॉड, पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, हालांकि चचा ने मुझे ताकीद भी की थी। क्या वो कारली ने तुम्हें कहा था? हाँ, आपने कुछ कहा तो नहीं उनको? कहा तो कौन सी कयामत आ गई है, मैंने को पत्थर नहीं मारा कि जख्मी हो गए होंगे। ऐसे कामों में केयरलेसनेस ठीक नहीं होती, यू मस्ट बी केयरफुल। जी बाबा, I'm sorry again। क्या कह रही थी वो मनहूस मां बेटियां? कुछ खास नहीं। अच्छा, तो टमाटर के नर्ख पूछ रही थी या तो पहाड़े याद करवा रही थी? कोई तो वजह होगी ना मुलाकात की। अरे वाह, ये जगह कितनी अच्छी लग रही है। निहाल जियागिल प्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, ऐसी क्या हाजत है जो माँ को लांगते फलांगते भागते चले जा रहे हो? अभी तक घर नहीं आए। वो मैं चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ आकर बैठो बेटा, मैं अभी सबको चेंज किए देती हूँ। जी। कब से चल रही है इश्काशकी का चक्कर? कौन सा चक्कर? अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम्हारे दिमाग की तख्ती साफ हो गई। कल जहां बैठकर माँ के खिलाफ साजिशें कर रहे थे, मैं उस चक्कर की बात कर रही हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, आपको गलत फहमी हो रही है। क्या कह रही थी वो मनहूस माँ बेटियां? कुछ खास नहीं। अच्छा, टमाटर के नर्ख पूछ रही थी या तो पहाड़े याद करवा रही थी? कोई तो वजह होगी ना मुलाकात की। अम्मी मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने सोचा उनकी उनकी तबीयत ही दरियाफ्त कर लूं। क्यों, तुम्हारी होने वाली सास है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप इतनी खफा हो रही हैं? अभी तुमने कुछ किया नहीं है जरबाब खान, और आइंदा करोगे भी नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे उस लड़की के साथ पींगे बढ़ाते हुए नजर आए ना तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि याद करोगे। कुछ नहीं होने वाला ऐसा, आप काम का परेशान हो रही हैं और मुझे भी परेशान कर रही हैं। अभी तो मैं बहुत लिहाज कर रही हूँ, कुछ कहा नहीं है मैंने, लेकिन करने पर आई ना तो किसी को बख्शूंगी नहीं। तुम सुन रही हो सोबिया? जी। बता देना अपनी उस सगी को। मुझे अपने घर आंगन में हवा का झोंका सावन बनकर आया है, मन आंगन में एक मसीहा साजन बनकर आया है। सावन रात से सहन की मिट्टी,
साजन जी से मन की रोटी, महक उठी है धन की मिट्टी, तमक उठी है सारी दुनिया चमक उठी है। इल्मा बेटी आई बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जीती रहो बेटा। बाबा इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? पसीना? जब आंखें रो ना सके तो पेशानी रोने लगती है। अर्क नदामत कहीं ना कहीं से तो छलकने लगता है। अर्क नदामत? किसी ने कुछ कहा है आपको? अरे मुझे कोई क्या कहेगा, किसी में इतनी जुर्रत है? तू खामखा परेशान हो जाती है हमेशा की तरह। मुझे कुछ नहीं हुआ, देख मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी तरफ देखिए। हाँ देख लेते, ये लो, ये देखो मेरी आंखों में देखो, और कुछ भी नहीं, क्या छुपा रहा हूं? पोस्टमार्टम कर लो मेरा बेटा। कहो तो मैं अपने दिल कलेजा फेफड़ा सब निकाल के रख दूं सामने। बिल्कुल ठीक है, नीट क्लीन। किस तरह की बातें करते हैं आप। अच्छा छोड़े, ये बताइए आपका आज दिन कैसा गुजरा? दिन कैसा गुजरा? दिन गुजर गया, अच्छा ही गुजर गया। वहां तो सब लोग आपकी खैरियत मालूम कर रहे होंगे ना? अरे हाँ बेटा, जहाँ बरसा बरस काम करते हुए हो जाए वो जगह दूसरा घर हो जाती। और मुजफ्फर अंकल, उन्होंने तो खास तौर से आके पूछा होगा ना? हाँ खास तौर। अरे तेरे मुजफ्फर अंकल मेरे चचेरे भाई हैं। मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है हमारे दरमियान, बड़ा प्यार करते हैं वो। और क्या, बाप थका टूटा हुआ आया वो या घर को चाय वाय पूछ लेते हैं। अच्छा मैं लाती। क्या बात है अम्मी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। सीरियसली देखने वाला सीन था, और पता है समझ नहीं आता कि वो अब रोएं तब रोएं। ये भाई जैसे मीसे लड़के होते हैं ना, इनकी फिल्मी मोहब्बत का हमेशा यही ड्रॉबैक रहता है, लड़की के सामने शेर और अम्मी के सामने मियाँ मियाँ मियाँ। और ये जो हमारी अम्मी जान है ना, इनको सर्कस में सुधारने वाले जानवरों का इंस्ट्रक्टर जो होता है ना, खुद को समझती है। हर वक्त घोड़ा जमाल शाही खेलना है उन्हें। मैंने तुम्हें बताया था ना सोबिया, मोहतरमा जवीरिया जब इस घर में आएगी ना, सुधार कर रखेगी अम्मी को, खींच कर रखेगी लगाम उन्हें। आरिफ तुम जरूरत से ज्यादा मुंह फट और बदतमीज नहीं हो गए हो? ये लगी पटी मुझसे नहीं होती। अच्छा बताओ ना कि जरबा भाई को स्टैंड लेंगे भी या नहीं? ले ही ना ले वो घर में स्टैंड, मैंने तुम्हें बताया था ना गली के शेर हैं। अगर मोहतरमा ने प्रेशर में लाकर भाई से कोर्ट मैरिज भी कर ली ना, भाई में इतनी हिम्मत नहीं उसे घर में लेकर आए। फिर क्या होगा? होना क्या है, दंगल अम्मी और खाला जान के दरमियान, और हम बैठ के एंजॉय करेंगे। बाबू तुम कौन बीड़ा, 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 तुम कौन बीड़ा। अब यहाँ क्या हुआ? रामेश भाई आए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, एक मिनट के लिए जैसे जान अटक गई होगी उनका नाम सुनकर। अच्छा दिखाए, इतनी तेज दिल की धड़कन, ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? एक बात बताओ कि तुम दोनों के बीच आजकल चल क्या रहा है? भाई रुके बताती हूँ, छोड़े तो सही। हमारे पीछे कुछ नहीं चला,
पिछली बार रामेश भाई ने जाते जाते मुझसे कुछ कहा। क्या कहा था? कह रहे थे भाई तुम्हारी अपिया कहाँ है, इतना कम कम क्यों नजर आती है। क्या? हाँ, और कहा था कि मेरा सलाम कहना अपनी अपिया को। क्या वाकई ऐसा कुछ कहा था उन्होंने? मेरी कसम खाओ। आपकी कसम कि मैं तो मजाक कर रही हूं। रुको जरा, बताती हूँ मैं तुम्हें। बाबा तुम कौन बीड़ा, तुम कौन बीड़ा। ठहरो अलमा। जी कहिए। एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। ये खूबसूरत पल इतने मुख्तसर क्यों होते? क्योंकि शबनम फूल पर ज्यादा देर ठहर नहीं सकती, इसे इजाजत नहीं। जिंदगी क्या महज चंद लम्हों के लिए ही खूबसूरत होती है? बस वो चंद लम्हे ही तो जिंदगी होते हैं। और बाकी? इंतजार इलाहास। मुझे अपने रंग में रंग लिया, तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। सर ये रमेश बाबा आप यहाँ कब आए? बस चाचा अभी 5 मिनट ही हुए होंगे, नेहा ने मुझे आपके कमरे में छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा, मैं गया था ये टैबलेट लेने, गली के कोने पर ही दुकान है। इल्मा बेटी, रमेश बाबा को हमारे घर की चाय बहुत पसंद, चाय बना कर लाओ भाई, ये बड़े एजाज की बात है हमारे लिए, और एजाज का तो ख्याल रखना चाहिए। क्या एजाज है? बैठिए बैठिए, मैं लाती हूँ। अच्छा बेटा, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस सर में दर्द था तो मैंने कहा ये कोने पर दुकान। अपिया अपिया। हाँ क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आपको क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चाचा मैं आपसे बहुत सख्त शर्मिंदा हूँ। अरे रमेश बाबा आप शर्मिंदा क्यों हैं? जब मुझे कोई शिकायत नहीं है तो आप शर्मिंदा क्यों? मैं जानता हूँ कि बाबा ने आपसे उस फाइल के बारे में बहुत सख्ती से पूछताछ की होगी, हालांकि वो सिर्फ मेरी कोताही थी। जाने दे, रात गई बात गई, अब उसको दोहराने से क्या फायदा। वैसे भी रमेश बाबा बात उसूल की है, दफ्तरी मामलात में रिश्तेदारियां नहीं चलाई जाती, ताल्लुकात नहीं निभाए जाते। तो कौन निभा रहे हैं ताल्लुक चाचा? आपके घर की दहलीज पे एक बार भी आए वो? आपकी इतनी सख्त तबीयत खराब है, उनको पूछने आना चाहिए था। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप रमेश बाबा, कभी आसमान झुककर जमीन से मिला है कहीं? अरे ये तो सब नजर का धोखा है, बातों में हमें कुछ चाय वाय का ख्याल ही नहीं रहा। अभी इल्मा बेटी, इल्मा बेटी। जीते जी मुझको मार दिया,
तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। तुम उस दिन कह रही थी ना कि तुम्हारी नजर में कोई अच्छी लड़कियां हैं। अरे हाँ, अपने वो वकार अली भाई है ना, उनकी बेटी है इल्मा, उसे देख लेते। तुम्हारी माँ ने रिश्ते की बात की थी तुमसे, क्या सोचा, क्या फैसला किया? जी हाँ, कर लिया फैसला मैंने। एक बात कान खोल के सुन लो लड़की, मेरे जीते जी तो क्या मेरे मरने के बाद भी जरबाब तुम जैसी उड़नदीदा से शादी नहीं करेगा। चाचा मैं इल्मा से शादी करना चाहता हूँ।